जय हिंद। इस वक्त आरजीएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली वसुधैव कुटुंबकम की यात्रा को लेकर और थैंक्स गिविंग धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए कि आईटीपीओ ने जो थीम रखा है वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड, उनका सम्मान जो है जो लोग यहाँ एग्जिबिटर हैं आईटीपीओ दिल्ली पुलिस के अधिकारी सब लोगों को हम लोग थैंक्स गिविंग कर रहे हैं, धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं कि भारत भर में भारत सरकार ने जो वसुधैव कुटुंबकम का ये रखा है आईटीपीओ ने थीम यूनाइटेड बाय ट्रेड, ये पूरे विश्व को प्रेरित कर रहा है। और यहाँ पर फूड कोर्ट में ये तो तीन जनरेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर आए हैं फूड कोर्ट में, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पूरा साफ सुथरा जो माहौल है देख रहे हैं, ये फूड कोर्ट अपने आप में हमारे पॉजिटिव मीडिया फैमिली भी कह रही थी कि बहुत बढ़िया, आज पहली बार 2023 में मेला जो देखा इतना साफ सुथरा आज तक नहीं देखा था। और देखिए चेंज इज लाइफ, परिवर्तन ही जीवन है, पहले के लोगों ने भी जो किया था वो भी बहुत अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर जो फूड कोर्ट को देख रहे हैं और सारी व्यवस्था लजीज व्यंजन उत्तर प्रदेश का, केरला का, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज केरला का, सड्डा पंजाब, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन का, और राजस्थान का राजस्थान डे भी है, उत्तर प्रदेश का, अलग अलग राज्यों के जो कुजीन है जिसको लेकर जैसे उत्तराखंड का आरजीएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली एक हफ्ते तक उत्तराखंड के कुजीन को प्रमोट करने के लिए पहाड़ियों में गई, गढ़वाल रीजन में हम लोगों ने 7 दिन रहकर और वहाँ के कुजीन को प्रमोट किया था। आज क्या कुछ है मैं विजय जी से जानना चाहूँगा, क्योंकि विजय गुप्ता जी कई सालों का अनुभव है जो फूड कोर्ट को इतने व्यवस्थित ढंग से लगाते हैं। धूप है तो वो, हालांकि सर्दियों में तो ज़्यादा धूप नहीं होती है, लेकिन कुर्सी टेबल सब नीट एंड क्लीन जहाँ तक नजर जाएगी। तो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली, पहले तो वसुधैव कुटुंबकम को आपका नाम अनुराग जी और विजय गुप्ता जी दोनों लोगों को ज्वाइंटली आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली की ओर से ये तिरंगा जो भारत का तिरंगा है इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सभी, हम भारत के लोग, जो संविधान कहता है। और वसुधैव कुटुंबकम के अनुसार जो है आज हम लोग स्वागत कर रहे हैं आप ज्वाइंटली, आप लोग फूड कोर्ट को बढ़िया बनाइए ताकि हमारे मेला दर्शक जो है वो यहाँ आए और लजीज व्यंजनों का आनंद लें, भारत के जो अलग अलग राज्यों के कुजीन आपने लगाया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे अनुराग जी? सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं राइट टू प्रशासन के, प्रगति मैदान में जो इतना सुंदर और इतना व्यवस्थित इन्होंने ये ट्रीटवे लगाया। और दूसरा ये कि हमारे भरपूर प्रयास से और फूड कोर्ट में भारत के विभिन्न राज्यों के व्यंजन, तथा क्योंकि हर राज्य से लोग आते हैं तो हमने उस मल्टी कुजीन फूड कोर्ट को भी बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन किया, जिसमें हर चीज़ हर राज्य के आदमी को खाने को मिले, हमने इस बात की पूरा प्रयास किया है। सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्थित करी गई है, हमने अपनी तरफ से पूरा यहाँ पर ध्यान रखा गया है कि जो बैठने के लोगों की सुविधा है उसको हमने भरपूर उसका हमने इंतज़ाम किया हुआ है। और लोगों से हमने गुजारिश करी है कि आप खुद भी जो खा के प्लेट्स को डस्टबिन में डालें। और सबसे अच्छी बात, खूबसूरत बात यह है कि अभी तक इस फूड कोर्ट में जितने भी लोग आए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि शायद किसी को क्वालिटी पे, किसी को रेट पे और किसी को किसी चीज़ पे कोई परेशानी या तकलीफ़ नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कुछ लोग होते हैं जो अच्छे कार्यों में बाधा डालते हैं, लेकिन हमें उन पर नहीं जाना चाहिए, वो हर जगह होता है, पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सामने वाले को देख के खुश भी नहीं होते, लेकिन हम आईटीपी को फिर शुक्रगुजार हैं और हमसे निवेदन भी करते हैं कि ऐसे लोग जो इसको बदनाम करने की साजिश करते हैं कभी कभी, उनको प्रबंध किया जाए, उनको प्रतिबंध लगा के उनको रोका जाए। और दूसरा ये जो प्रशासन है इसने जितनी खूबसूरती से इसको आयोजन किया, हम उसके सदा आभारी रहेंगे और आगे भी हम प्रयास करेंगे जी, और हम आगे भी उनसे एक अपेक्षा रखते हैं कि इससे ज़्यादा खूबसूरत 2024 का प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगे जी। विजय गुप्ता जी क्या कुछ कहना चाहेंगे ये वसुधैव कुटुंबकम, आप तो कई सालों से। नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, चेयरमैन साहब का सपना था इस बार कि फूड कोर्ट एक ही जगह बना के और खुली जगह बनाई जाए जिसमें लोग आराम से बैठ सकें और उसकी साफ सफाई अच्छे से की जाए, क्योंकि यही दो फूड कोर्ट बनाए हैं उन्होंने, बाकी जगह कहीं फूड का है ही नहीं इंतजाम, इसलिए कि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सके। पहले लोग खड़े होके इधर उधर खाते थे, वो सब दूर किया इस बार। सफाई व्यवस्था पर क्या कहना चाहेंगे ये? सफाई व्यवस्था एसके गुप्ता हैं जो हमारे आईटीपीओ के अधिकारी, उन्होंने पूरी व्यवस्था की है, बहुत स्टाफ उन्होंने लगाया,
काफी स्टाफ हमने भी लगाया कि जिससे साफ सफाई बिल्कुल अच्छे से रहे, कोई गंदगी ना हो, सफाई होना जरूरी है। और ग्रीन कार्पेट भी बिछा रखा है। ग्रीन कार्पेट तो बिछाया गया है। मेरा दर्शक कह रहे हैं कि धूल कहीं भी नहीं उड़ रही है, जबकि पॉल्यूशन के बारे में बड़ी फिक्र होती थी, लेकिन प्रगति मैदान में धूल नहीं उड़ रही है। बिल्कुल, धूल का नाम ही नहीं है अभी, क्योंकि सारा कुछ बढ़िया से बना दिया, बढ़िया से बना दिया, कार्पेट बिछा दिया, रेड कार्पेट भी है। हाँ, 10 नंबर जैसे ही गेट से आप आते हैं रेड कार्पेट पर चलते हुए आते हैं, जैसा कार्पेट सूट करे उसका वैसे व्यवस्थित करते हैं। हम लोगों के बीच लाफ्टर में यहाँ पे इन, इन, इनको ये धन्यवाद देंगे अपने लाफ्टर स्टाइल से, लेकिन उससे पहले लाफ्टर करवाऊंगा एक मिनट, लेकिन इस साफ सफाई पर और कुजीन का भी स्वाद लेंगे। मेरे ख्याल से अभी दो तीन जनरेशन आए हुए हैं, तीन जनरेशन है ना, पोता पुत्र, पोता पुत्र और पिता जी। तो आप पहली बार आए हैं? यस। ये जो व्यवस्था देख रहे हैं इस पर क्या कहेंगे? यहाँ हम ऐसे देख रहे हैं जैसे कि हम की पार्क में खड़े हों, वहाँ भी बहुत व्यवस्थित ढंग से और बहुत साफ सुथरे ढंग से इतने अच्छा माहौल में हमने पहली बार देखा है। हम तो धूल मिट्टी में पड़े हैं, हमारी तो उम्र भी बहुत होगी, उस टाइम ऐसे मेले हमने कभी देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन बहुत सौभाग्य है हमारा कि आज हमारे पुत्र की वजह से हम यहाँ देखने का मौका मिला है। हमने सोचा क्यों ना छोटी पीढ़ी को भी हमें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये हंसने की बात है, खुश होने की बात है। और वसुधैव कुटुंबक यानी भारत ही था जिसने सबसे पहले कहा सर्वे भवन्तु सुखिना, है ना, और वसुधैव कुटुंबकम। तो आज हमारे लाफ्टर एम्बेसडर हैं आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए कुलदीप राय जी। हाँ जी, एक लाफ्टर करवाऊंगा। हम फूड कोर्ट में तो जब भी हम कोई न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू हमें मिलती है, हमारे शरीर को मिलती है। और इसी तरह हमारा लाफ्टर जो है ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है, और जब भी हम इसको ढंग से करते हैं और हंसी हंसते हैं तो हम जो है तंदुरुस्त हो जाते हैं। तो लीजिए, अब समझ लीजिए कि आप फूड कोर्ट में हैं, दोनों हाथ सामने लेके आइए, ऐसे लेके आइए, सभी लंबा गहरा सांस लेंगे और दोनों हाथ ऊपर करेंगे। अब यहाँ से जब हम छोड़ेंगे तो नीचे आएंगे और खूब हंसेंगे, फिर ऊपर लंबा गहरा सांस, और यहाँ सांस छोड़ कर नीचे आएंगे, फिर एक बार, हमेशा न्यूट्रिशियस फूड खाइए, हम यही सबको कहते हैं। इधर उधर की कोई चीज नहीं खानी है, और हमने हर चीज खाते हुए जब हम हंसते हैं तो हम एक किस्म से फूड की मेडिटेशन करते हैं, ये मेडिटेशन है ये भी एक किस्म से। तो फूड की मेडिटेशन सभी करेंगे मेरे साथ, अपना फूड में ही ध्यान रखेंगे, इधर उधर ध्यान नहीं रखेंगे, कोई खाने के वक्त कोई बात नहीं करेंगे। तो शुरू करें सभी। बच्चे भी आ गए हमारे साथ, चलो थैंक यू गुप्ता जी, बहुत बहुत थैंक यू अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब बच्चे आ गए हैं और हम चाहेंगे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इन बच्चों को भी वो खुशियां मिले और उनकी यादें, चूंकि यही भारत के भविष्य हैं, ये बहुत बड़ी बात है, भारत के भविष्य आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के साथ, आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस यहां पर आ गया है जिसमें आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली भी है, और इन बच्चों की यादों को हम लोग भी संजो कर रखेंगे आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब में। और आप लोग भी बड़े होंगे तो क्या याद रखेंगे कि फूड कोर्ट में हम लोगों का सम्मान किया गया था, हम लोगों को यहाँ पर सम्मान ऑनर किया जा रहा है, ताकि भारत के आप भविष्य हैं। और मेले की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, बोलिए जोर से, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, हाँ वेरी गुड, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? बच्चों से बतवा रहा हूं, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है हम बताना चाहेंगे आपको। वसुधा, वसुधा मतलब पृथ्वी, धरती, अर्थ, समझ गए, अर्थ भी
पूरे विश्व के लोग जब मिलते हैं तो वो कुटुंब बन जाता है। झंडा सीधा यहाँ झंडा बच्चे को मैं प्रदान करूं जी। ये झंडा जो है ये बिटिया, बिल्कुल ये देखो नारी शक्ति वंदन हो रहा है यहाँ। ठीक है बेटे, ये क्या है? तिरंगा। ये राष्ट्रीय ध्वज है। ये बराबर इसी तरह से केसरिया ऊपर, बीच में सफेद और उसमें चक्र रहता है, और यहाँ पर हरा रंग। ठीक है ना, हरा रंग। ये झंडा जब भी आपके हाथ में जाए तो जरूर देखिए कि ये केसरिया रंग सैफरन कलर ऊपर है कि नहीं है। ठीक है, और राष्ट्रीय ध्वज हो गया। अब बच्चों को हंसाने के लिए कुलदीप राय जी और हमारे बच्चों को हम चारों दिशाओं की एसीबी कराएंगे और आरजे आरजेएस को बच्चों के थ्रू चारों तरफ फैलाएंगे। बच्चों जैसे जैसे मैं बोलूंगा ऐसे ऐसे बोलना है। सामने हाथ करिए और बोलिए लेफ्ट से, बैक से, फ्रंट से, लेफ्ट से, राइट से, बैक से। वेरी गुड, वेरी गुड, ये वेरी गुड, वेरी गुड, ये। बच्चों जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही बोलना। हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, हम सब अच्छे हैं, हम खुश हैं, हम खुश हैं, आप खुश हैं, आप खुश हैं, हम सब खुश हैं, हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं, हम सब स्वस्थ हैं। अगर खुश हैं, स्वस्थ हैं तो आप मस्त भी होंगे। हम मस्त हैं, आप मस्त हैं, हम सब मस्त हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ये वेरी गुड। बच्चों को बोली बोली एक बात मैं अब यहाँ पर हम बुला रहे हैं जो स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव हैं, बच्चों को लेकर आए हैं। आ जाइए आप, अच्छा आइए, तो आप इधर आइए, कैमरा इधर लगा रहे हैं। बताएं कहाँ से आए हैं, कितने बच्चे आए हैं मेले में? मेले में सर 92 बच्चे आए हैं। कहाँ से आए आप लोग, कौन सा स्कूल है? सर फरीदाबाद से आए हैं, स्मार्ट स्टडी पब्लिक स्कूल। हाँ हाँ, तो बच्चों के ड्रेस में हैं सभी बच्चे? जी सर। फ्री एंट्री हुई? जी सर। आपने पहले पता था कि एप्लीकेशन देना है, अप्रूवल लेना है? जी सर। पहले भी आते रहे हैं? नहीं पहले नहीं आए थे, पहली बार, फर्स्ट टाइम आए हैं। फर्स्ट टाइम आए? जी सर। और बच्चों की फ्री एंट्री है, मैं बताना चाहूंगा, अगर स्कूल ड्रेस में बच्चे आते हैं विद द प्रायर अप्रूवल, जी सर, तो बच्चों की फ्री एंट्री होती है और कभी भी बच्चे आ सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों का यहाँ पर फ्री एंट्री है। 27 नवंबर 2023 तक ये मेला है। तो स्कूल का नाम एक बार फिर से? स्मार्ट स्टडी पब्लिक स्कूल, हाँ, फरीदाबाद। फरीदाबाद, फरीदाबाद। आपका नाम? असलम खान। असलम खान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बच्चे जय हिंद एक बार कर लीजिए। बोलो जय हिंद, जोर से बोलो जय हिंद।